नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुर दर्शन और मैं हूं आपके साथ राजेश तिवारी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि चुनाव समय पर होने चाहिए। चुनाव कोरोना को लेकर जो बढ़ाने की जो डेट की बात कर रहे हैं वो सही नहीं है, चुनाव अपने समय पर ही होनी चाहिए। साथ में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों पर विशेष कोई ध्यान नहीं दे रही है। लॉकडाउन के बारे में पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि लॉकडाउन लगाना गरीबों के साथ खिलवाड़ करना है। लॉकडाउन के चलते गरीबों को काफी ही परेशानी हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मांझी किसी कार्यक्रम में जाने के दौरान कुछ पल के लिए आरा परिसदन में रुके और पत्रकारों से बातचीत के क्रम में जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने कहा कि विधानसभा चुनाव समय पर होना चाहिए क्योंकि कोरोना का प्रकोप अभी थमने वाला नहीं है। साथ ही मांझी ने कहा कि केंद्र सरकार और बिहार सरकार कोरोना पीड़ितों के साथ खिलवाड़ कर रही है। राज्यव्यापी लॉकडाउन से गरीबों को बहुत ही ज्यादा परेशानी है। पूर्व मुख्यमंत्री मांझी किसी कार्यक्रम में जाने के दौरान आरा परिसदन में पत्रकारों से बातचीत के क्रम में कहा। आप में कहावत है कि भोज के आगे कोरोना नहीं हो पाता है। ये आप लोग के यहाँ भी होगा, हम लोग के यहाँ भी। इतना बड़ा त्राची इस प्रकार की महामारी आएगी ये किसी को पता नहीं था। ये तो चीन का खरजंत्र है, वुहान में इस प्रकार का कुछ एक्सपेरिमेंट करके समझे संसार के इकोनॉमी को कंट्रोल करना चाहता है, डिस्टर्ब करना चाहता है, उस रूप में है। वो बीमारी आई है, ये वैश्विक त्रासदी है। चाहे भारत सरकार हो या बिहार सरकार, हम समझते हैं कि इससे लड़ने में असक्षम रही है। कारण इनकी कोई तैयारी नहीं थी और बिना तैयारी के कोई युद्ध लड़ नहीं सकता है। अब रही बात आप लोगों के माध्यम से जितना भी प्रचार प्रसार किया जाए, लेकिन सच्चाई यही है कि हमारा मेडिकल इस सब संबंध में काफ़ी फेल है। अब रही बात कि अभी जो कह रहे हैं कि ये बीमारी है बहुत आगे बढ़ रही है, बीमारी आगे नहीं बढ़ रही है, टेस्ट आगे बढ़ रहा है जिससे बीमारों की संख्या ज़्यादा समय में आ रही है। हमारा कहना है कि ये बीमारी अपने प्रकाशा पर 4 महीना पहले से है, वही स्थिति आज है। लेकिन टेस्ट पहले नहीं हो रहा था इसलिए कम नजर आता था, टेस्ट हो रहा है ज़्यादा तो आ रहा है कि हाँ साहब ये फैल पड़ने की स्थिति में। तो ये बात सही है कि इसका कोई निराकरण नहीं है। वैक्सीन निकालने के चक्कर में लोग हैं, 15 अगस्त को भी हो सकता है कुछ भी क्लियर लोग करें, लेकिन इसमें आपके माध्यम से हम सभी समाज के लोगों को यही कहना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसी बना के रखें। इतना डिस्टेंस जो 1 गज 1.5 गज की है उसको बना के रखें और हर हालत में मास्क का प्रयोग करें, ग्लव का प्रयोग करें। लेकिन सबसे बड़ी बात है देरी कर, ये बीमारी जो हो रही है, आप चले जाए, अभी हम आपके नहर के नज़दीक देख रहे थे, जुड़ी जुड़ी सड़क के नज़दीक देख रहे थे, लोग ताश खेल रहे थे या लकड़ी लोग काट रहे थे, कहाँ मास्क है, कहाँ क्या है, कहाँ काम करना है। तो गरीब के पास नहीं ये आएगा, इसलिए कि उनकी जो इच्छा है कि बीमारी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में हम सबसे कहना चाहते हैं कि जिस क्षण इससे डर जाइएगा कि आपको डरा दे विधानसभा नहीं डर। सर, राज्यव्यापी लॉकडाउन को जो हुआ है इससे क्या कुछ फायदा होगा, कोरोना कम होगा या कुछ? हम समझते हैं लॉकडाउन वो करके गरीबों को इसमें मारक है। हमारे गरीब लोग जो बाहर से हमारे मजदूर आए थे, बड़ा घर को समझ करके 1,000-1,500 किलोमीटर दूरी करके, बीच में रास्ते में मरे भी बहुत सी बेटियां हैं जो बीच में उनको प्रसव का सामना करना पड़ा। और आज यहाँ जब नहीं है हमारे पास व्यापार या रोजगार तो फिर लौट रहे हैं। हमारा कहना है कि इस लॉकडाउन के चलते जितनी आर्थिक प्रक्रियाएँ कम हुई है जिससे कि महंगाई बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ना है, अन्य तरह की बात रहना है, तो ये गरीबों के लिए सामर्थ्य की चीज़ है। सरकार को कंट्रोल करना चाहिए, सरकार को हर तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। लॉकडाउन करने से हम समझते हैं कि बहुत फ़ायदा नहीं है।
जिस तरीके सर पटना में लॉकडाउन में छूट दिया गया, वही भोजपुर में देखा जाए तो कई व्यवसायी मांग कर रहे हैं कि सर लॉकडाउन में कुछ छूट दिया जाए और जैसे तैसे चल रहा है, तो ये लोग दुकान खोले तो उनके पास कार्रवाई हो जा रहा है और लोग मांग भी कर, व्यवसायी संघ ने भी आवाज उठाया है कि लॉकडाउन को, देखिए व्यवसायी संघ हो या व्यवसाय से संबंधित अन्य मजदूर लोग हो, मजदूर को काम नहीं मिलेगा क्या करेगा, व्यवसाय अगर करते हैं तो उनको मजदूर चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब आर्थिक क्रियाएं होगी ही नहीं तो गरीब लोग बचेगा कैसे, इसलिए लॉकडाउन इसका एक उपाय नहीं है। उपाय इसका यही है कि एक सावधानी बरतें और बरत करके अपना काम करते रहें। डेढ़ साल चले तो डेढ़ साल लॉकडाउन नहीं रहेगा, अगर डेढ़ साल लॉकडाउन रहेगा तो फिर खिलाएगा कौन, इसलिए लॉकडाउन इसका कोई उपाय नहीं है, इसका कोई तरीका नहीं। सर वर्चुअल रैली में पूरी सरकार व्यस्त है, कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, कितना अहम है अभी विधानसभा चुनाव होना, विधानसभा चुनाव क्या सही है या फिर इसको एक्सटेंड करना जरूरी है? देखिये लोजपा भी मांग कर चुकी है, भोजपुर का मामला नहीं है, समस्त बिहार का मामला है, हम इससे इतर विचार रखते हैं, इसलिए रखते हैं जैसा अभी हमने कहा कि कोरोना आज और कल का विषय नहीं है, ये महीनों महीनों का विषय है। डब्ल्यू हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, हु ने कहा है कि जनवरी और फरवरी में एक क्लाइमेक्स में रहेगा, तो आखिर चुनाव कितना दिन आप टालिएगा, तो वैसी परिस्थिति में चुनाव हो जाए, लेकिन चुनाव की जो प्रक्रिया ये लोग अपनाने जा रहे हैं वो खतरनाक है, गरीब लोग उससे वाकिफ नहीं है, गरीब लोग वोट नहीं, इसीलिए हम, हमारी मांग है आज पटना में भी हम बोले हैं कि चुनाव यदि कराना ही हो तो बैलेट पेपर से चुनाव करावे ताकि गरीब लोग पार्टिसिपेट कर सके, और नहीं तो ये मीडिया और मैकेनिज्म के तरह से अगर कराना चाहेंगे तो निश्चित है कि वो चुनाव एक तरह से ठीक नहीं होगा, न्यायोचित चुनाव नहीं होगा। तो क्या सर लग रहा है बिहार वुहान बनते जा रहा है क्या कोरोना के चलते? अब वुहान बन रहा है कि नहीं बन रहा है, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग आक्रांत हैं, निकल रहा है, क्योंकि टेस्ट पहले नहीं होता था, टेस्ट हो रहा है, लेकिन इससे डरने की जरूरत नहीं है, सावधानी बरतने की जरूरत है और सावधानी बरत करके इससे निपटा जा सकता है, और जितने लॉकडाउन जैसा चीज का प्रक्रियाएँ की जा रही है वो सब गरीब के लिए एक तरह से समझ लीजिए कि घातक है, गरीब इससे ज़्यादा संतुष्ट है, बड़े लोग चाहे जो भी वो खा रहे हैं पी रहे हैं, लेकिन हमारे गरीब लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वो जाएंगे कहाँ, और तो हर तरह के त्रासदी में है, इसलिए लॉकडाउन उसका उपाय नहीं है, लॉकडाउन को हटाना चाहिए, सारी प्रक्रिया आर्थिक क्रियाओं को शुरू करना चाहिए। रही बात कोरोना का, तो कोरोना से सावधानी बरतने के लिए और उसका जो उपाय है वो गाँव गाँव तक घर घर तक पहुँचा।